तृप्ति पाहवा जी का मैंने लिया था। तृप्ति पाहवा जी अगर मौजूद हो तो कृपया मंच पर आमंत्रित है। शकील अहमद खान जी, डॉक्टर रूबी राज सिन्हा जी, जोरदार तालियां आपके लिए। वैदेही फाउंडेशन की आप डायरेक्टर हैं और लखनऊ में इनके नाम से हर कोई वाकिफ है। दोस्तों बहुत ही नेक काम ये कर रही हैं। दुनिया अपनी माँ को पूछती है लेकिन ये अपनी मदर इन लॉ के नाम से इन्होंने अपने फाउंडेशन की शुरुआत की है। जोरदार तालियां आपके लिए। फैशन डिजाइनर तो है ही है, साथ ही साथ आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सामाजिक सरोकारों में पूरा दखल रखती हैं। रूबी राज जी के बाद अगला नाम मधु तिवारी जी का। मैं मधु तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। मधु तिवारी जी, आप फाउंडर आकाश वेलफेयर फाउंडेशन हैं, आप आकाश वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर हैं और साथ ही साथ मिस एंड मिसेस टियारा प्रोग्राम में सेलेक्ट भी हुई हैं। मॉडलिंग शो का जजमेंट भी आप करती रहती हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए ये पूरी शिद्दत से उनका सहयोग करती है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिलाने का काम करती हैं। मधु तिवारी जी, जोरदार तालियां दोस्तों। वो भी जिनको अवार्ड मिल गया है वो और जोर से तालियां बजाएं दूसरों के लिए। आकाशवाणी लखनऊ के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं और पिछले 24 वर्षों से कृषि एवं गृह कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। डॉक्टर श्री ओम प्रकाश जी से निवेदन करोगे कि कृपया मंच पर आए। अभी आप सम्मानित हुए हैं, एक पहल और समग्र एक साथ आपको सम्मानित करके स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आज आपको लेकर राजधानी लखनऊ के बौद्ध संस्थान में, जहां पर समग्र सेवा संस्थान के द्वारा अवध सम्मान समारोह दिया जा रहा है कई संस्थानों को, कई सोशल वर्कों को और कई मॉडलों को। तो आइए बात करते हैं मॉडलों और सोशल वर्करों से कि किस तरह से सम्मान को पाकर वो खुशी हुई और किस तरह से अपने काम करने के लिए प्रोत्साहन उनको मिलेगी सम्मान समारोह से। मिशन सुरक्षा परिषद से सोशल वर्कर हैं विशाल जी हमारे साथ, उनको भी सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं उनके बारे में और उनकी संस्था के बारे में और ये जो उन्होंने आज अवार्ड पाया उसको पा के क्या खुशी मिल रही है जी। देखिए, जैसे हमारा संगठन है जो जातियों के आधार पर बांटे गए समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास करता है, आज मैं अपना ये अवार्ड जो मुझे आज दिया गया है एक तरह की खुशी भी है और मुझे दुख भी है क्योंकि आगरा में एक दलित बच्ची को जिंदा जला दिया गया। तो मैं अपना ये सम्मान उसी को समर्पित करता हूँ, संजली को। तो ये मेरा सम्मान उसी को जाता है और मेरा प्रयास रहेगा कि आगे किसी भी दलित समाज की या किसी भी समाज की लड़की को किसी प्रकार जिंदा न जलाया जाए, किसी प्रकार उसको असुरक्षित न महसूस हो और समाज में उसके लिए सुरक्षा का माहौल पैदा हो सके। जैसा कि आपकी भी एक संस्था है और एक सम्मानित जो आज आप लोगों को सम्मान किया गया है वो भी एक संस्था है, तो कैसा लग रहा है संस्थानों का काम देखकर? हमारा तो यही कहना है कि जिस प्रकार हमारी संस्था काम कर रही है, आज हम 2 लाख से ऊपर पदाधिकारी पूरे भारतवर्ष में बना चुके हैं, 24 राज्यों में हमने संगठन को खड़ा किया है। तो हम जहां भी अन्याय के खिलाफ़ आवाज़ उठानी होगी इसी प्रकार आवाज़ उठाएंगे और ये सम्मान इस बात का द्योतक है कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँच रही है और समाज में सुनी जा रही है। परिचय के साथ बताइए किस तरह से आज आपको सम्मानित किया, जैसे कि मॉडलिंग के क्षेत्र में आपका काफ़ी नाम है, कैसा लग रहा है आज एक समग्र सेवा संस्थान का ये काम देखे और किस तरह से काम करने की इच्छा जागृत हो रही है आप लोगों में? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम आरती पाल है और मैं एक फैशन शो ऑर्गेनाइज़र हूँ। मैं स्पेशली महिलाओं के लिए काम करती हूँ, स्पेशली जो होम मेकर्स होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं। मेरा काम होता है कि उन्हें उनकी ज़िंदगी के जद्दोजहद से बिल्कुल निकाल कर एक स्टेज प्रोवाइड कराना जिससे वो अपने लिए कुछ कर सकें। और हम एक शो कराने वाले हैं मिसेज यूपी, जो हमारा फरवरी में होगा। सो हमने उसकी एज कैटेगरी रखी है 50 ईयर। सो उसमें सारी महिलाओं का मोस्ट वेलकम है। हमने जो कैटेगरी बांटी है दैट इज़ अ गोल्ड कैटेगरी एंड क्लासिक कैटेगरी। क्लासिक कैटेगरी में हम 40 से 50 साल तक की लेडीज़ को लेंगे और जो गोल्ड कैटेगरीज़ हैं उसमें हम 20 साल से
लेकर 35 साल तक की लेडीज़ खोलेंगे। सो हम उन्हें बूस्ट करना चाहते हैं, हम उन्हें एक स्टेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं ताकि वो अपने लिए कुछ कर सकें और अपनी फैमिली। कैसा लगा आज ये सम्मान पाके आपको? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं ये सम्मान हमें बहुत अच्छा फील कराता है क्योंकि हमारी छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं। सो ये हमारा हौसला अफजाई करती है, बिल्कुल हमारी काम करने की इच्छा बढ़ती है और हमारा हौसला अफजाई होता है। सो बहुत अच्छा लग रहा है ये सम्मान पाके, थैंक यू। जैसे कि समग्र सेवा संस्थान का ये जो कार्यक्रम था और जिस तरह से संस्थानों को और सोशल वर्कों को सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है आपको उन्हें सम्मानित? मेरा नाम डॉक्टर प्रीति वर्मा है, मैं चाइल्ड कमीशन की मेंबर हूँ और आज जो ये समग्र संस्था द्वारा जो और एनजीओस को बुलाकर यहाँ पर जो समाज में विभिन्न वर्गों में काम कर रहे हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, किसी ने समाज में पर्यावरण के में बहुत अच्छा काम किया है, तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनका सम्मान करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उनको इनक्रेज करना। और इससे जो जिस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है उसका तो मोटिवेशन होता ही है होता है, लेकिन साथ में सम्मानित हुए व्यक्ति को देखकर औरों में उत्साह जागृत होता है कि हम भी ये सम्मान पा सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका सम्मान करना और मेरे द्वारा सम्मान होना ये मुझे अपने आप में गौरवान्वित कर रहा है और ऐसे प्रयास होते रहें, ऐसे सफल कार्यक्रम होते रहें। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर बच्चों ने इतनी अच्छी अच्छी इतनी मोहक प्रस्तुतियाँ दी हैं जिनको देखकर मतलब लगता है कि हमारा भविष्य उज्ज्वल है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा थे ये थे समग्र सेवा संस्थान के द्वारा जो सम्मान समारोह किया गया, उसमें सभी कई संस्थान कई मॉडल और कई लोग जो है सम्मानित हुए और उनका ये कहना है कि सम्मान पाके उनमें वो इच्छा जागृत हुई आगे बढ़ने की इच्छा। तो इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।